اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم أولئك बिस्मिल रही पांचवें पारे के आखिर में अल्ला ने मुनाफिकीन की मजम्मत बयान की है और उन्हें सख्त तरीन आजाब की वईद सुनाई है और उनके पोल उनके रास उनके दिलों में छुपी हुई बातों को अल्लाह ने खूब खोल खोल के जाहिर कर दिया और अल्लाह ने कहा इन इनमोनाफिकी नफिदर कि असफली मिनन्नारजिद् नसीरा अल्लाह ने जहन्नम के सात तबके बनाए हैं सात तबके और सातवां तबका वो है कि जिसमें सबसे ज़्यादा सख्त आज़ाब दिया जाएगा उस सातवें तबके में ना तो मशरकिन हैं ना ही यहूदी हैं ना ही नसरानी हैं और ना ही सितारों और चांद की पूजा करने वाले हैं बल्कि वो कलमा पढ़ने वाले हैं वो कलमा गो हैं जो ज़ुबान से तो जाहिर दिखलाने के लिए तो कलमा पढ़ते थे और अंदर दिल में कुफर छुपा हुआ होता था दो चेहरों वाले यहूदियों का एक ही चेहरा है कि हम यहूदी हैं ईसाइयों का एक ही चेहरा है कि हम ईसाई हैं आग परस्तों का एक ही चेहरा है कि हम आग के पुजारी हैं लेकिन वो कलमा पढ़ने वाला जो ज़ुबान से तो कलमा पढ़े अंदर दिल में कुफर को छुपा के रखे कलमा क्यों पढ़ता है कि बस मेरी जान बच जाए कलमा क्यों पढ़ता है ताकि मैं काफरों से भी फ़ायदा लूँ मुसलमानों से भी फ़ायदा लूँ और वो दिल में कुफर को पसंद करता है ऐसे शख़्स को मुनाफिक कहा जाता है और मुनाफिकों के लिए अल्लाह ने जहन्नम का सबसे निचला तबका तैयार कर रखा है जहाँ सारे जहन्नम वालों का खून भी जमा होगा पीप भी जमा होगी गलाजतें भी जमा होंगी और वो वो आज़ाब दिए जाएंगे, जो ना किसी आँख ने देखे, ना किसी कान ने सुने किसी के वहम गुमान पे दिल पर उनका ख़याल नहीं गुजर सकता ये अल्लाह उन्हें सजाएं देगा तो यहाँ एक नुक्ता जहन में रखें अल्लाह ने मुनाफिकीन के राज ज़ाहिर कर दिए उनके पोल खोल दिए बताया कि ये 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 करते हैं यहाँ तक के कईयों के तो नाम भी बता दिए अब्दुल्ला बिन अबी सलूल रईसुल मुनाफिकीन, बिश्र नामी मुनाफिक था और आप सलाम ने सारे मुनाफिकीन के नाम हज़रत हुजैफा, वो मुसलमानों के मेरे नबी के आराजदान को बता दिए थे तो मुनाफिकों का खुल्म खुल्ला पता था सवाल ये होता है अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के राजों को ज़ाहिर किया और एक तरफ़ तो अल्लाह मुसलमानों को ईमान वालों को हुक्म देते हैं पर्दा पोशी का के किसी के ऐब को जाहिर नहीं करना चाहिए किसी के गुनाह को जाहिर नहीं करना चाहिए लेकिन ख़ुद अल्लाह मुनाफिकीन की परदा दरी भी कर रहे हैं उनके राजों को भी जाहिर कर रहे हैं तो यहाँ एक मोटा सा जबता याद रखें जहन में वो खा मुसलमान के बारे में हो काफिर के बारे में हो जब किसी को ख़तरे से बचाना मकसूद हो किसी को नुकसान से बचाना मकसूद हो तो वहाँ उसकी गीबत का करना उसके खुफिया राजों का ज़ाहिर कर देना सिर्फ़ जायज़ ही नहीं बल्कि वाजिब होता है ताकि दूसरों को नुकसान से बचाया जा सके अब आप इसको ऐसे समझें अल्लाह ताली ने रीबत को हराम करार दिया इतना बड़ा जुर्म है इतना बड़ा जुर्म है कि सूफिया के यहाँ यानी एक होते मुहद्दिसीन जिनका काम अहदस मुबारक को नकल करना होता है एक होते हैं फुकाहा जिनका काम मसाइल का बताना जिनकी मसाइल में स्पेशलिटी होती है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई आई स्पेशलिस्ट है कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है और कोई जो है वो जर्नल फजीशन है तो कहाँ इंसानों में से कोई मुहदस बना कोई मुफसर बना कोई फ़कीर बना इसी तरह एक जमात कहलाती है सूफिया की सूफिया, सूफिया क्या करते हैं वो ज़िक्र असकार पे ज़्यादा रहते हैं अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाते हैं अल्लाह को याद करते हैं और वो फ़िका की गहराई में ज़्यादा नहीं जाते वो और तरफ़ को ज़्यादा नहीं चलते और यह हकीकत है कोई इंसान सारे काम नहीं कर सकता एक मेरे नबी की ज़ात थी जो एक ही वक़्त में दुनिया के सबसे अच्छे बाप भी हैं सबसे अच्छे खामद भी हैं सबसे बड़े नबी भी हैं सबसे बड़े मुजाहिद भी हैं सबसे बड़े मुहदस भी हैं सबसे बड़े मुफसर भी हैं सबसे बड़े फकीर भी हैं सबसे ज़्यादा हसन व जमाल के शाहकार भी हैं क्या क्या ज़िक्र करें बस वही बात है जो जबरीइल ने कहा था और हज़रत हसन ने कहा वाह नमिन कलम तरत आईनी

रसूलुल्लाह के अलावा अल्लाह ने सारी ख़ूबियाँ किसी में जमा नहीं की ये बात अपने जहन में रखें कभी भी किसी नेक शख्स में सारी वो ख़ूबियाँ तलाश ना किया करें कि जो एक ही शख्स में जमा हो जाए तो इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि बकर का और रंग था उमर की बहादुरी है अबू बकर की रहमदिली है उस्मान के अंदर सखावत का पहलू है बाकी नहीं है अली की शुजात और बहादुरी है अबू हुरैरा का हिफ्ज हदीस है इब्न अब्बास की वो तफसीर है अब्दुल्ला बिन मसूद की फ़काहत है तो कोई एक एक सिफत मेरे नबी की अल्लाह ने सारों में बांट दी तो इसलिए दुनिया में कोई ऐसा इंसान तलाश ना किया करें कि कामिल ही हमें मिले और जिसमें अल्लाह के नबी की सारी ख़ूबियाँ जमा हों याद रखें वो तो अब जन्नत में जाकर ही मिलेंगे दुनिया में ऐसे लोग मिलने से अब रहे दुनिया में से लोग मिलने से रहे तो मैज करना चाह रहा था कि सारी खूबियाँ अल्लाह ने नबी में जमा की होती हैं बाकी किसी में भी नहीं की तो गीबत करना कितना बड़ा जुर्म है कि सूफिया के यहाँ सूफिया क्या गीबत करने से रोज़ा टूट जाता है रोज़ा टूट जाता है और वो गीबत इसकी मिसाल वो हदीस मुबारक से पेश करते हैं और क्या कहते हैं आप वाली सलात वाम के ज़माना मुबारक में आप वाली सलात वाम ने सहाबा से कहा <गला> कि तुम लोगों ने रोज़ा रखा है मुझसे पूछ के अवतार करना जब मैं कहूँ तो अवतार करना वैसे न करना जब अफतारी का वक्त करीब आया तो सहबा हुजूर के पास आते जा रहे हैं या रसूल अल्लाह वसल्लम मैं इफ्तार कर लूँ तुम भी कर लो मेरी बच्चियाँ कर लें वो भी कर लें मेरी अहलिया कर लें वो भी कर लें सहा आ रहे हैं पूछ के जा रहे हैं एक सहाबी आए या रसूल अल्लाह सल्हुह वसम मैंने रोज़ा रखे अफार कर लूँ क्या कर लो कब मेरी बेटियां कर लें क नहीं उनका तो रोजा ही नहीं है उन्होंने तो रोजा ही नहीं रखा या रसूल अल्लाह हमारे साथ सहरी खाई है सारा दिन कुछ भी खाया पिया नहीं है वो तो रोजे से कम को लेकर आओ उनको लाया गया हजूर ने कहा एक बड़ा सा थाल लेकर आओ थाल भी लाया गया तो उनके वालिद से कहा कि इनकी गुद्दी पर मुक्का मारो उन्होंने हल्का सा गुद्दी पर मुक्का मारा तो उनके मुँह से ताज़ा खून और गोश्त के लोथड़े निकले तो हजूर ने कहा देखा मैंने कहा था इनका तो रोज़ा नहीं है ये रोज़े से नहीं है इन्होंने गोश्त भी खाया है खून भी पिया है यौ रसूल सल्हु वसलम ये क्या माजरा ये क्या हुआ ये क्या हुआ तो हजूर ने फरमाया कि इन्होंने रोज़ा तो रखा था भूख और प्यास को तो बर्दाश्त किया लेकिन रोज़ा रख कर ये मुसलमानों की गीबतों के करने में लगी रही और मुसलमानों की गीबतों का करना ऐसा ही है जैसा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लेना लिहाजा ये जो गीबतें की हैं तो अल्लाह ने उनकी गीबत गोश्त की शक्ल दी और जो अब इनके मुँह से निकल आया है तो उनके यहाँ गीबत से रोज़ा टूट जाता है तो अर्ज करने का मकसद ये था किबत का करना गुना है जुर्म है और लेकिन बसा बसाओकात गीबत का करना फ़र्ज हो जाता है वाजिब हो जाता है ना ये बात जहन में रखिएगा और मैं आपको तो एक इल्मी नुक्ता बता रहा हूँ गीबत का करना आम हालात में हराम है आम हालात में हराम है लेकिन बाज़ ख़ु़सूसी हालात में गीबत का करना यानी किसी के ऐब और बुराई को ज़ाहिर कर देना वो फ़र्ज़ है फ़र्ज़ और वहाँ उसके ऐब को छुपाना ये गुना है गुना मसलन कैसे आपके पास आपके पड़ोस में कोई बच्चा रहता है बच्ची रहती है आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये बच्चा अच्छा नहीं है ये शराब का आदि भी है जुआ भी खेलता है नमाज़े भी नहीं पढ़ता बुरा बच्चा है और आपके पास कुछ लोग पूछते पूछते आ गए हम अपनी बच्ची का यहाँ पर रिश्ता करना चाहते हैं बच्चा कैसा है आप सिर्फ इस वजह से कि मेरा भतीजा है मेरा भांजा है मेरा पड़ोसी है उसके उन अयूब को छुपा लें जिसकी वजह से रिश्ते की गाड़ी निकाह की गाड़ी शादी की गाड़ी नहीं चल सकती डिस्टर्ब हो जाती है तो आपने बड़ा जुर्म और नुकसान किया अगर आपने उसका वो ऐब छुपाया कि जो ऐब निकाह से रिश्ते से मुताल इसलिए कि शराब के साथ तो जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती एक जवारी के साथ तो जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती एक बुरे आदमी के साथ जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती तो आपके ज़िम्मे फ़र्ज है कि उसका इतना ऐब बता दें जितना उसमें पाया जाता है इस रिश्ते से मुतालिक। अगर आपने छुपा लिया कि ये मेरा भांजा है भतीजा है पड़ोसी है और आपके कहने पर तहकीक करने पर लड़की वालों ने रिश्ता दे दिया और फिर बाद में पता चला तो ये ये ऐब था और बच्ची का घर तबाह हुआ तो बच्ची का घर तबाह करने वाला असल में वो लड़का नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा कसूरवार और नुकसान वो उसके रिश्तेदार हैं जिन्होंने बच्ची वालों को सच और हक नहीं बताया तो यहाँ पर गीमत का करना फ़र्ज़ है तो ऐसे मौक़े के ऊपर याद रखें आज जब रिश्ते के लिए आते हैं तो आपसे कोई पूछे तो अमानत दारी के साथ दयानत दारी के साथ उतना ही ऐब वो बता दिया जाए जितना उसमें है हाँ बाकी अयूब को बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चा अच्छा है बच्ची अच्छी आप बता दें कि बहुत अच्छी हैं बड़ी शरीफुल्न्फ्स हैं और कभी हमने इनके बारे में कोई ऐब नहीं सुना हमेशा माँ बाप के रिश्तेदारों की खिदमत गुजार रही हैं ये सारी चीज़ें बता दें अगर कोई ऐब है वो ऐब जो शादी से मुतालिक है वो ना बताएँ वो ना बताएँ है ना तो ये चीज़ें होती हैं अच्छा कुछ चीज़ें छुपाई भी जाती हैं मैंने किसी जगह पे किसी को भेजा रिश्ते के लिए तो लड़के वालों को बड़ा पसंद आया सारी चीज़ें सारी ख़ूबी अच्छी लगी हैं लेकिन लड़की की माँ ने तेश में आके कई चीज़ें बताना चाहे ये भी बता दिया कि मेरी बच्ची वो दुबई में तीन महीने तक जॉब करती रही वहाँ ये रिसेप्शनिस्ट थी हालांकि अकली तौर पे इस बात के बताने की ज़रूरत ही नहीं थी अब इस बात को बुनियाद बना के लड़के वालों ने वहाँ शादी से इनकार कर दी हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी कोई ऐसा ऐब नहीं था लेकिन वो ऐसी ऐब वाली बात है कि जो किसी को हिट कर जाए क्लिक कर जाए उसको बताने की जा, जाहिर करने की क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत थी तो जो उससे मुतालिक बातें थी कि बच्ची ऐसा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी करती हैं ऐसा भी इनके अंदर ये हुनर भी है ये सलाहियत भी है तो बता देने छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं बता देना चाहिए तो बाकी ये मैं बता रहा हूँ यहाँ मिजाज शनासी शरीत का बहुत बड़ा हिस्सा है मिजाज शनासी उसमें मिजाज का समझना ये चीज़ें सीखने से ताल्लुक रखती हैं कि किस मौके पर क्या बात करनी बहर बात आगे बढ़ गई इसी तरह से कारोबार के बारे में आप कारोबार करने के लिए जा रहे हैं और कोई आप लोगों से पूछने के अले आगे ये आपका पड़ोसी है आपका भाई है तो मैं इसके साथ कारोबार करूं कि ना करूं तो इतने ऐब का बताना जितने उसमें हैं कि भाई जान ये बंदा फराड़िया है प्रॉपर्टी डीलर है है तो मेरा भाई है तो मेरा चचा है तो मेरा कज़न लेकिन ये लोगों के साथ धोखा करता है आप इसके साथ शराकत दारी ना करें अगर आपने उसका वो ऐब छुपा लिया और किसी ने उसके साथ शराकत दारी की और नुकसान उठाया तो आपको उसके नुकसान उठवाने में सौ फीसद गुण अल्लाह तरमाएँगे कि अल्लाह फरमा रहे हैं वाला तबनदवान वाल गुनाहों के कामों में एक दूसरे के मददगार न बनो तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह ने ये जो मुनाफिकीन की ग़ीबें की हैं मुनाफिकीन के रास को ज़ाहिर किया है उनकी परदा दरी की है तो ये ऐने आजर है ऐने सवाब है ऐने हकमत है और क्या तक इंसानों को बताना है कि आम तौर पर तो मैंने वो इंसानों के अयूब के छुपाने का हुक्म दिया है हाँ वो ऐब के जो अल्लाह और बंदे के दरमियान उसको छुपाया जाए वो ऐब जो बंदों और बंदों के दरमियान है और जिसके छुपाने से नुकसान हो सकता है ख़तरे में पड़ा जा सकता है उसको छुपाना जायज़ नहीं है बताना फ़र्ज है बताना फ़र्ज़ है आपके पड़ोस में गलत लोग आ गए आपको पता चल गया कि ये गलत आ गए हैं और इनके यहाँ आने से मोहल्ले के बाकी बच्चे भी बिगड़ सकते हैं बच्चियाँ बिगड़ सकती हैं तो आप मोहल्ले के बड़े लोगों को सरकरदा लोगों को बताएं कि हम इनके के यहाँ मशकूक सी सरगर्मियाँ देखते हैं इनका कुछ इंतज़ाम करें ताकि हमारी नस्लें ना बिगड़ें वहाँ छुपाना जायज़ नहीं है इस खौफ से कि हमें बताने की क्या ज़रूरत है हमें क्या पड़ी याद रखें जो ये कहते हैं ना कि हमें क्या पड़ी तो सबसे पहले जब बंद टूटता है तो उनके घरों में सैलाब आता है सबसे पहले जब नुकसान होता है तो उनकी नस्लों को समेट और लपेट के ले जाता है तो आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है अपने हिस्से का किरदार अदा करना ज़रूरी होता है तो बहरल यहाँ ये यह किया जाए यहाँ अल्लाह यह ते बताया उसके बाद फिर अल्लाह ने Earth... यहूदियों के जराम जिक्र किए हैं बहुत सारे उनके जराइम जिक्र किए हैं यस yeah. अलोकाहल है। किताबन आलिम किताब फ़कद अमिनयसुमूस अकबर यहाँ यहूदियों के कुछ सरदार रसूल सल्ला वसम की खिदमत में आए और कहने लगे या महम्मद सल्ला वसम जिस तरह मूसा सलात वाम पर लिखी हुई आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं इसी तरह आप पर भी उतरनी चाहिए ये क्या है थोड़ा 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 कुरान उतरता रहता है आप हमें कुछ कुछ आयतें सुनाते रहते हैं पूरी किताब दिखाओ हमें जो अल्लाह ने आप पर उतारी है जैसे हमारे मूस नबी मूसा लेकर आए थे है ना तो उनके इस मुतालबा से ईमान लाना मकसद नहीं था ये उनकी शर्त थी बल्कि हट धर्मी थी तो अल्लाह ताला ने आप आलि सलातम को उनके दिली चाहत से आगाह कर दिया कि ये आपका ये मोजा देख कर भी ईमान लेकर नहीं आएंगे बल्कि हट धर्मी की वजह से जिद की वजह से आपको ये बातें कर रहे हैं और आपसे जान छुड़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं तो बहरल यहाँ अल्लाह ताला ने यहूदियों की ये गुस्ताखे भी बताएं। इसी तरह अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ इन्होंने यहूदियों ने पहले भी बड़े बड़े काम किए थे इनके अबा अजदाद ने हज़रत मूसा किताब ले आए तो इन बदब्तों ने क्या किया कहने लगे कि हम नहीं ईमान लेकर आते जब तक हमारे आबाओ अजदाद खुल्लम खुल्ला अल्लाह को नहीं देख लेते या अल्लाह की आवाज़ को नहीं सुन लेते तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने फिर इनको सब को मार दिया था ये जो इनके सरकरदा लोग गए थे तो बहरल यहूदियों का ये बड़ा शेवा शुरू से ही रहा है कि ये बातें ज़्यादा करते हैं दलाइल ज़्यादा मांगते हैं अमल की तरफ नहीं आते अमल की तरफ नहीं आते और आज भी वो लोग लगता है यहूदियों की नस्ल से ही चले आ रहे हैं हमारे यहाँ कि जो दलाइल ज़्यादा मांगते हैं सवालात ज़्यादा करते हैं डिबेट ज़्यादा करते हैं उनको नमाज़ों के बारे में सारे रिसर्च है लेकिन आजान होने पर नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे तो ये तो शैतान हैं ये तो डिबेटर हैं ये तो लगता है यहूदियों की नस्ल में से हैं कि जिनको इल्म सारा था अमल की तरफ नहीं आते थे तो अमल की तरफ आना असल मकसद है अल्लाह जितना फरमा दे वो अल्लाह की तरफ से रहमत है तो यहाँ पे ये फिर अल्लाह ताला यहूदियों का एक और वो बता रहे हैं, सूरत में कि इन्होंने हज़रतलाम को कत्ल करने की कोशिश की और ये हज़रत को जब कतल करने के लिए आए हैं तो अल्ला ने क्या कहा वमा कामा सलबू अन शुभ हलोम ना तो ये हज़रत को सूली पर लटका सके ना ही कत्ल कर सके लेकिन अल्लाह ने हज़रत को किसी शबी बना के उनके हवाले कर दिया क्या मतलब इस बात का याद रखें हज़रत को ना तो कत्ल किया गया है ना ही सुली पर लटकाया गया है बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत तजरत सलातम को ज़िंदा आसमानों पर अपने पास उठा लिया था बुला लिया था उसका तरीक़ा क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ जब मुख्तलिफ़ अहद मुबारक में आता है ज़हाक रमत ला फरमाते हैं कि जब यहूदियों ने हज़रतलात सलाम को कतल का इरादा किया तो हज़रत खीसी के हवारी जमा हो गए आप अलीसलात सलाम के मानने वालों को सहाबी कहा जाता है हज़रत ईसा के फॉलोअर्स को उनके मानने वालों को हवारी कहा जाता है हवारी हज़रत ईसा के हवारी एक जगह जमा हो गए तो हजरत ईसा सलात व सलाम इनके पास तशरीफ़ लाए इबलीस ने यहूदियों के एक दस्ता को जो हज़रत ईसा के कत्ल के लिए तैयार खड़ा था हज़रत आसी का पता बता दिया ये इबलीस कई दफ़ा इंसानी शक्लों में आता है और वो अल्लाह वालों के अम्बिया के खिलाफ जाकर लोगों की मदद करता है हज़रत इब्राहीम के बारे में आग में जलाने की जो तदबीर सिखाई थी वो इस बदब इब्लिस ने सिखाई थी आप सलात व सलाम के कत्ल की और शहादत की जो अफवाह उड़ाई थी वो वहद में इस बदब इब्लीस ने उड़ाई थी और हज़रत इीसी सलात वाम का जो एड्रेस और उनकी मुखबरी की थी पता बताया था ये बदब्त इबलीस ने इंसानी शक्ल में आके बताया था माज़ अल्लाह आप सलाम के कत्ल का जो मंसूबा और मंसूबा बनाया गया था कि किस तरह करें यह इब्लीस इंसानी शक्ल में आकर बैठा हुआ था और आकर कत्ल का मनसूबा सुझा के चला गया तो याद रखें जब ऐसे ऐसे मनसूबे जो इंसानी अक़ल में नहीं आते ये बदबक़्त आके सिखाता तो समझ लें यह शैतान है ये शैतान का आला कार है तो इसने आकर हज़रत ईसा की मुखबरी कर दी और चार हज़ार आदमियों ने हज़रत के मकान का मुहासरा कर लिया हज़रत ईसा का जब पता चला तो उन्होंने अपने साथियों को और हवारी को बुलाया और कहा तुम में से कोई शख्स है जो इस बात पर राज़ी हो कि बाहर निकले और उसको कत्ल कर दिया जाए और फिर जन्नत में वो मेरा साथी हो उनमें से एक आदमी इस गर्ज से अपने आप को वो बाहर निकाला उसने हज़रत आसी ने उसको अपना कुर्ता इमामा अता किया और अल्लाह ताला ने उस शख्स पर हज़रत आसी की मुशाबहत डाल दी यानी उस निकलने वाले को अल्लाह ताला ने हजरत आसी बना दिया और हज़रत आयसी की शक्ल उस पर चढ़ा दी और जब बाहिर निकला तो यहूदियों ने उसे हज़रत आयसी समझ कर पकड़ लिया सूली पर लटका दिया और अल्लाह ने हज़रत आयसी को जिंदा आसमानों पर उठा लिया और यहाँ ये यह भी बताता चलूँ कि हज़रत ईसा उठाने की हिमत क्या थी अल्लाह की हिमत अल्लाह ख़ूब जानते हैं लेकिन जो रिवायात से पता चलता है वो असल में ये था कि हर उम्मत ने तमन्ना की कि अल्लाह ये उम्मत है मोहम्मदिया हमें अता फरमा ये उम्मत है मुस्लिम महम्मदिया के लोग हमें अता फ़रमा अल्लाह ताला ने कहा नहीं ये उम्मत मैंने अपने हबीब अपने प्यारे के लिए संभाल के रखी है ये किसी को नहीं दी जा सकती तो फिर हज़रत ईसा ने एक अजीब ही दुआ कर ली कह लगे अल्लाह अगर ये उम्मत मुझे नहीं देते तो इस उम्मत में पैदा ही फरमा दे इस उम्मत में पैदा ही फरमा दे तो अब कि कियामत में अल्लाह ताला व सलाम को वो फ़लस्तीन के मशरक़ी मनारा पर उतारेंगे और वो दज्जाल का कला कमा करेंगे मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे ईसाइयों को मुसलमान बना देंगे और यूँ सारी दुनिया के ईसाई मुसलमान बनकर यहूदियों का कत्ल करेंगे सारी दुनिया से यहूदी कत्ल कर दिए जाएंगे, तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे और यूँ जो है वो हजरत को अल्लाह दोबारा बुला लेंगे तो हजरत हज़रतलात साम के बारे में हमारा कददा जो है वो कुरान में क्या है कि ना तो वो कत्ल किए गए ना ही सोली पर लटकाए गए बल्कि अल्लाह ने किसी और को उनकी शक्ल हम शक्ल बना के उसको सोली पर लटकवा दिया और हज़रत आयसी को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया अच्छा इसी तरह एक और यहाँ पर रिवायत बाज़ रवायात में कि यहूदिया ने एक शख्स जिसका नाम तैतला नूज था हज़रत आसी को कत्ल करने के लिए भेजा हज़रत आयसी तो घर में नहीं मिले कि अल्लाह तक उठा लिया और ये जो शख्स कत्ल करने गया था अल्लाह ने इसको हजरत ईसा का हम शक्ल बना दिया जब वो काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला घर से बाहर नहीं आया तो यहूदियों को फिक्र लगी कि हमारा बंदा किधर गया तो यहूदियों ने जब अंदर जाकर देखा तो ये तो हजरत ईसा है तो उनका बंदा था ही कोई नहीं तो यहूदियों ने अपने ही बंदे को जिस पर अल्लाह ने हज़रत ईसा की शक्ल चढ़ा दी थी अपना बंदे को हज़रत ईसा समझ कर कर दिया और हज़रत ईसा को अल्लाह ने उठा लिया और बाद में ये परेशान है कि अगर ईसा थे तो हमारा बंदा कहा गया अगर ये हमारा बंदा ईसा कहेंगे तो ये तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि अल्लाह ने इसको हज़रतम शक्ल बना दिया अपने बंदे की फिर वो हमेशा तलाश में लगे रहे यूँ अल्लाह ने हम्बिया व सलाम के हिफाजत की और ये हमें हज़रत के बारे में ये अकीदा बता दिया कि हज़रत सलाम आसमानों पर ज़िंदा हैं और अल्लाह ने उनको कत्ल भी नहीं होने दिया और सूली पर भी नहीं लटकने दिया और आपको पता है ईसाइयों का भी ये अकीदा है और उनका अक़ीदा भी कमज़ोर है वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को सोली पर लटका दिया और ईसा मसीह ने सोली पर लटक कर हम सब के गुनाहों का कफारा अदा कर दिया ये ईसाइयों का क़ीदा है इसको भी ज़रा समझ लें ईसाइ समझते हैं कि हमारे जितने गुनाह थे जराइम थे तो हज़रत ईसा ने हमारे गुनाहों की बदौलत अपने आप को सोली पर लटकवा दिया और हमारे गुनाहों का गफारा अदा कर दिया गुनाहों का गफारा अदा कर दिया तो यूँ अल्लाह ताला ने ये एक अकीदे की वजाहत कर दी अच्छा इसी तरह से आगे चल कर अल्लाह त्या कहें इद कलतम तो मरियम इन अल्लाह बशरु की भी कलीमतमिन हसमीफ सबन मरियम ए फरिश्ते ने जब कहे मरियम अल्लाह तुझे एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जो कि कलीमतल्ला होगा जो कि अल्लाह का कलीमा होगा कहीं जगह कहा रूहुल्लाह है हज़रत आईसी के बारे में जिसकी वजह से ईसाइयों को धोखा लगे गया कि रूह अल्लासाइयों का मुगालता लगा वो कहने लगे कि मरीम अल्लाह की बीवी हैं अल्लाह के बेटे हैं मरीम अल्लाह की बीवी हैं अल्लाह के बेटे हैं बेटे हैं क्यों क्योंकि मरीम के बारे में जब उनको यकीनी ज़राये से पता चला पहले तो हज़रत मरीम पर तोहमत लगा दी जब हजरत ईसा को लेकर आई हैं लेकिन जब हज़रत ईसा खुद ही माँ की गोद में बोल पड़े कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ और मेरा कोई बाप नहीं है अल्लाह ने अपने फ़जल से मुझे पैदा किया है तो उनको यकीन हो गया कि ये बच्चा आज तक किसी को पैदा होते बच्चे को बोलते नहीं देखा था चंद दिनों के बच्चों को बोलते नहीं देखा था ये बोल पड़ा है तो ये अल्लाह का बेटा है और मरियम की तो पाक दामनी सारे माशरे में मशहूर थी तो ये अल्लाह की बीवी हैं ये बेटे हैं तो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ से उनको मुगालता लग गया इस चीज से इन्होंने खुद ही समझ लिया कि ये अल्लाह के बेटे और बीवी हैं हालांकि इससे बड़ा वाक तो हज़रत आदम के साथ हुआ कि हज़रत आदम को अल्लाह ने बग़ैर माँ बाप के पैदा किया फिर तो माज़ अल्लाह माजअल्ला उनकी कम अकली की बिना पर हज़रत आदम को अल्लाह का भाई या कुछ और कह देना चाहिए कि ना उनकी माँ है ना बाबू तो अल्लाह की कुदरत का एक अदन सा करिश्मा है मेरे रब की कुदरत तो इससे कहीं ज़्यादा है ये तो अदन सा करम है है ना तो वो अकल का इस्तेमाल करते हैं वही पर फैसले नहीं करते तो गुमराह हो गए अच्छा इसी तरह से इन्होंने फिर कुछ कुरान करीम की बातें ले ली कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रोख कहा रोखुल्ल कहा तो याद रखें जो कुरान करीम में रोखुल्ला कहा गया है एक तो समझे कि रूह के क्या मतलब है और दूसरा ये समझें कि जो अल्लाह ने कहा रूह जैसे अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा रूह अल्लाह की रूह इससे तो बाहर यही समझ में आता है तो यहाँ ये समझें रूह असल में होती है किसी भी हिस्से की पाकिज़ा चीज़ हमारा जिसम है रूह है जिसम को गुसल दिया जाता है रूहों को गुसल नहीं दिया जाता और आम ये रूल है ये यूनिवर्सल लॉ है कि किसी शे की तहारत और पाकिजगी को जब बयान करना मकसूद हो तो मुबालगा के तौर पर उसको रूह का इतलाक़ क्या दिया जाता है तो चूँकि हज़रतलासम की विलादत में किसी मर्द का या किसी औरत का वो अनसर नहीं है अल्लाह ताला ने इनको इंतहाई पाकिजगी के साथ पैदा किया और जो मसाइल औरतों को पेश आते हैं विलादत के वक़्त वो हज़रत मरियम को पेश नहीं आए तो ज़रा भी गंदगी नहीं थी नज़ाफत ही नज़ाफत थी तो इस वजह से इनको रूह कहा गया और फिर अल्लाह ने अपनी नस्बत क्यों लगा दी रूह ला अल्लाह की रूह तो याद रखें ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने बतुल्ला अल्लाह का घर हालांकि ये पत्थरों की बनी इमारत अल्लाह के घर बनने के लायक तो नहीं है ना अल्लाह का घर तो नहीं बन सकती तो उसको जो बैतुल्ला कहा जाता अल्लाह का घर इज़्ज़त देने के लिए अज़मत उसकी बताने के लिए कि ये अल्लाह के घर के तौर पर एक निशानी है जैसे हमें अब अल्लाह के बंदे अब हमने अपने बच्चे का नाम रखा अल्लाह का बंदा तो अल्लाह का बंदा होने का मतलब कोई ख़ास बंदा तो नहीं है ना बल्कि इज्जत देने के लिए उसको अब्द कहा जाता है अब्दुल्ला तो अल्लाह की तरफ जो ये नस्बत या जो ये उसको वो कांटेक्ट किया जाता है इसका मतलब है अल्लाह की रूह होने का हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह के हैं बल्कि उनको इज़्ज़त देना मकसूद था इज्जत देना मकसूद था एक मतलब तो यहाँ पे ये बास मा ने कहा है कि जो अल्लाह ने रूह अल्लाह कहा है वसल ने हज़रतल सलातम की बैसत का मकसद लोगों के मुर्दा दिलों में रूहानी हयात डालकर फिर जिंदा करना था क्योंकि तो हज़रत से पहले लोग बड़े बिगड़ चुके थे तो इनके पैदा करने से लोगों में रूहानियत पैदा करनी थी इस वजह से रूहुल्ला कहा गया कि लोगों के दिलों में नौरानियत की रूह पैदा करने वाले और बाज ने कहा कि ये रूह का इस्तेमाल राज के मान में भी होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत को अजब अंदाज में पैदा किया तो इस पैदा करने को रूह कहा जाता है और बाज ने वो हज़रत जबरील को रूह कि हज़रत जब जैसे रूह हज़रत जब का लकब्य रूह उकुदस तो यहाँ पे रूहल्ला से मुराद अल्लाह के रु यानी जबरील हैं जब्रैल के फूँक मारने से हज़रत मरीम को खुशखबरी हो जाती है और हज़रत ऐसा पैदा हो जाते हैं तो किसी भी तरह यहाँ वो ये मुराद नहीं हैं कि रूहुल्ला होने से या इन नस्बतों से ये अल्लाह के बेटे बन गए यहाँ कुछ इलमी बातें भी हैं वो आपको मैं नहीं जिक्र करता वो ज़िक्र करने का शायद फ़ायदा ना हो वो ज़रा बात और तरफ़ को निकल पड़ेगी वो कुछ इल्मी अबहहा हैं तो बहरहाल यहाँ अल्लाह ताला ने हजरत हज़रतलासम के बारे में बनी सराइल वालों के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़िक्र की हैं फिर यहूदियों के अक़ीदा तसलीस भी बताया कि उनका जो तीन का अक़ीदा है तीन का अक़ीदा है कि तीन चीज़ों से मिल खुदा बनता है अकानी में तलासा से है ना हज़रत ईसा हजरत मरियम और अल्लाह इन तीन का नाम वो खुदा कहते हैं तो अल्लाह ताला ने ये कहा ला तुलूफी ए लोगो दीन में गुलूब ना करो क्या मतलब कि ईसा को उनके मकाम से ज्यादा ना बढ़ाओ उनका इतना मकाम ही काफ़ी है कि वो मेरे नबी हैं क्यों उनको मेरे बराबर मेरे मुकाबिल ला के खड़ा कर देते हो तो यहाँ अल्लाह ने वो इन चीज़ों का भी हमें भी पैगाम दे दिया कि अतदाल में रहा करो जिसका जो मकाम व मरतबा है उसको वो दो उससे ज्यादा देना जायज़ नहीं है जो जिसका मकाम व मरतबा है उससे कम भी ना करो हमारे नबी का जो मकाम व मरतबा है वो सबसे आली बुलंद है अब नबी को अल्लाह के मुकाबले में ले जाया जाए तो ईसाइयों में और हम में कोई फ़र्क ना हुआ अल्लाह वालों को जो मकाम व मरतबा है अल्लाह उनको बड़ा प्रोटोकॉल देंगे उनको उनके मकाम व मरतबा पर रखें उनको सजदे करना ना शुरू कर दें उनके नाम के चढ़ावे चढ़ाना ना शुरू कर दें करेंगे तो अल्लाह के बराबर ला कर खड़ा कर दिया जाएगा तो अल्लाह ती खड़ा बना देंगे जो ईसाइयों को अल्लाह ताली ने सजाएं दी हैं तो बहरहाल जो जिसका मकाम व मरतबा उसको वो दें उससे कम भी ना करें सहबा में जिस जिसका जो मकाम व मरतबा है उसको वो दें उससे कम भी ना करें अहल बैत हमारी आंखों की ठंडक हैं सरों के ताज हैं उनका जो मकाम व मरतबा है उनको वो दें उसको कम भी ना करें तो बहरल यहाँ पे अल्लाह ईसाइयों को सुनाकर हमें बता रहे हैं कि दीन में गुलूब न करना जो जो हद और वो किसी भी चीज़ की जो मैंने हदूद कायम कर दी हैं लिमिट कायम कर दी हैं उनसे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश न करना तो ये सूरत निसात के आखिर तक अल्लाह ने ये चीज़ें जिक्र कर दी फिर सूरतमादा है सूरतमादा शुरू हो जाती है तो सूरतलमादा के शुरू में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए माइदा कहते हैं दस्तरखान को क्योंकि इसमें दस्तरखान का किस्सा है तो इस वजह से सूरत का नाम ही मायदा रखा गया और सबसे आखिरी सूरत है ये नज़ुल के अतबार से हजतुलदा जो अल्लाह ताला ने आयतें उतारी थी अल उम दीनकुम तोम वम तोम नम थी व ऱी इस्लाम दीना आज दीन पूरा कर दिया अब इसमें नसफ़ मनसूख की गुंजाइश नहीं है अब ना मजीद आ सकता है ना हजफ़ किया जा सकता है तो आज दीन पूरा कर दिया गया वो अल्लाह ने यह आयत इसी सूरत में ज़िक्र की हैं और फिर हजरत जब यह आयत उतरी हैं अलीम अकमल वाली आयातें तो एक यहूदी आकर हजरत उमर से कहने लगे कि मुमिनीन अगर ये आयतें हमारे ऊपर उतरती तो हम इस दिन को योम ईद करार देते यानी ये आयतें आज आप लोगों के दिन की तकमील के हवाले से उतरी हैं अगर हम ईसाइयों पर उतरती तो हम आज के दिन को ईद का दिन बना लेते तो उमर ने क्या जवाब दिया ये याद रखने की बात है। फरमाने लगे मैं उस दिन को भी जानता हूँ उन घड़ियों को भी जानता हूँ जब रसूल्ला पर आयतें उतरी हैं आरफा की शाम थी जुमे का दिन था लेकिन अल्लाह ने हमारी दो ईदें तय कर रखी हैं छोटी ईद और बड़ी ईद ईद और ईदालफर हम इस दिन को ईद नहीं मनाएंगे तो वो कह रहे हैं कि इसको ईद बना लिया जाए तो इसको यहाँ बतलाने का मकसद अल्लाह का ये है कि इस्लाम के त्यौहार मुतन हैं मज़ीद त्यौहारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती हमारे त्यौहार मुतन हैं छोटी ईद का है बड़ी का है और जो हैं वो इसी तरह जो वागे त्यौहार हैं असल में जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाए हैं इसके अलावा जो भी हैं वो हम एक हदूद और दायरे में रहकर उनको मनाने की सेलिब्रेट करने की इस तरह से तो इजाज़त दी जा सकती है कि उन मौक़ों पर हम उन बुज़ुर्ग हस्तियों का जिक्र करना शुरू कर दें रबी अव्वल आता है नबी के तस्करे करें नबी को सीरत को अपनाने का अहदोपम करें महरम आता है अहल बैद की सीरत को अपनाने का आज़म करें उनकी तरह बहादुरी बहादुर के नमूने दिखाने की कोशिशें करें बुजदली को ख़त्म करें लेकिन इन दिनों को ईद मना लेना और इन दिनों को ये बड़े बड़े वो काम आपको पता है कि ये अगर इजाज़त दी जाती तो फिर गुलूब हो जाता है ये कभी भी ये बीमारियाँ और शिरक ऐसे शुरू नहीं होता ये शैतान आहिस्ता 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 करते 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 हजरत ईसा के बारे में शुरू में उनका यददा नहीं था शुरू में तो पहली नस्ल हजरत ईसा को अल्लाह का मुआजा समझती थी अगली नस्ल ने थोड़ा सा और बिगाड़ किया तीसरी नस्ल ने जाके अल्लाह का बेटा बना लिया हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी बना लिया इसी तरह पांच बुतों से वो शिर्क शुरू हुआ था वद सवा यहूस याऊक नसल ये फौत हुए तो लोगों ने इनको जाके कब्रिस्तान में दफना दिया अब जब दफना दिया तो उनके बुजुर्ग कभी कभी इनकी, इनकी कब्रों पर चले जाया करते थे तो अगली जब नस्ल आई तो शैतान ने उनके जहनों में ये बात डाल डाली है तुम्हारे बुजुर्ग थे उनकी निशानियाँ थी और तुम्हारे बड़े इनकी कब्रों पर जाया करते थे तुम भी जाया करो और ये जाने लगे इन्होंने जाके आगे के काम शुरू कर दिए वहाँ जाके उनके नाम की मन्नतें मानना उनके नाम पर चढ़ावे चढ़ाना उनसे जाके दुआ करना दूसरी बच्चे देखते थे कि हमारे अब्बा दादा इनकी कब्रों पे जाते हैं चढ़ावे चढ़ाते हैं मन्नतें मानते हैं और ये सारे काम करते हैं तो फिर जब तीसरी नस्ल आई तीसरी नस्ल को शैतान ने यह समझाया कि ये तो बड़ी बुज़ुर्ग हस्तियाँ थी इधर आ ये तो बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ थीं और ये वहाँ जाते थे ये तो बुज़ुर्ग हस्तियाँ थीं ये तो वहाँ तुम्हारे वालिदैन जाया करते थे लिहाजा तुम इनकी अपने घरों में मूर्तियाँ बना लो अपने घरों में इनकी मूर्तियाँ बना लो तो उन्होंने क्या किया कब्रिस्तान जाने के बजाय घरों में बुज़ुर्गों की मूर्तियाँ बना ली और फिर चौथी नसल से शैतान ने शिरक करवाना शुरू कर दिया कि ये इस तरह से शिरक ज़मीन पर शुरू हुआ और एक वो वक्त आया कि कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था हज़रत नू की साढ़े नौ सौ साल की मेहनत से सिर्फ़ बयासी लोग मुसलमान हुए उनसे पहले सारा माशरा काफिर हो चुका था शैतान की मेहनत से तो याद रखें ये जो बुराइयाँ हैं या ये दीन के अंदर ज़्यादतियाँ हैं ये कभी भी एकदम नहीं फैलती यह आहिस्ता आहिस्ता तो यहाँ अल्लाह हैं या अहल किताब ला तुलूफ़ी दी अहल किताब दीन में गुलूब ना करो जितना मैंने बता दिया सिखा दिया समझा दिया उसमें करने की कोशिश ना करो तो हमने जो ईद अल्लाह ने तय कर दी वो मुकर्रर है, है। हैं तय शुदा हैं हज़रतम रजील्ला तरमारे बा हम बिल्कुल हम रबी अव्वल में रसोल्ह वसलम की सीरत भी सुनाएँगे हम हजूर की सीरत भी बनाएँगे हम आप सलात सलाम के लोगों को वो बातें भी सुनाएंगे सारे काम करेंगे लेकिन अतदाल मेरे के अतदा हम ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे उस दिन आपको पता होगा कि अब वो हालात आ चुके हैं कि बारह रब्वल को हमने खुद आंखों से देखा है लोगों को ईद की नमाज़ पढ़ते हुए वो हालात आ चुके हैं कि बच्चियाँ इस त्यौहार के दिन वो कॉलेजों में डांस कर रही होती हैं नाते चल रही होती हैं और बच्चियां मेरे नबी के योम विलादत का मजाक उड़ा रही होती हैं तो ये क्या हुआ ये दीन में गुलूब और हद से ज्यादा बढ़ने के फिर ये नुकसान हुए तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह ताला ये बात है सूरत में अल्लाह ने बड़े खोल के जिक्र कर दी कि अतदाल में रहो और अपने आप को हद से ना बढ़ाओ अच्छा ये आगे फिर अल्लाह त्या कह रहे हैं यादीन आम तो शाह हराम ए ईमान वालो अल्ला ताला की निशानियों को अपने लिए हलाल ना करो जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम कर दिया हलाल ना करो यह आयत कैसे उतरी है इसका शान नजूर सुन ले हुआ ये था कि जब हिजरत के छठे साल आपसलात सलाम ने उम्र का इरादा किया एक हज़ार से जायद सह अहराम बाँध कर आपके साथ हैं जब आप मक् मुकरमा पहुँचते हैं खुदेविया के मकाम पर मक्का वाले आपको रोक लेते हैं और उम्र की इजाज़त नहीं देते मुशरक़ी ने मक्का ने इजाज़त नहीं दी और बड़ी सख्त शराइत रख दी माहिदा की माहिदा की बड़ी सख्त शराइत रख दी कि आप इस वक्त तहराम खोल दें वापस चले जाएँ आइंदा साल आएंगे बगैर हथियारों के सिर्फ तीन दिन के लिए उम्र करके चले जाएंगे और बड़ी सख्त शराइत थी कि हमारा कोई बंदा आपके पास आया तो वापस नहीं करेंगे आपका आया तो हम वापस कर देंगे तो आप आल सलात वाम यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो सहाबा कह रहे हैं कि या रसूल अलैहि वसल्लम इन्होंने इतनी सख्त शराइत रख दी हैं और सारी तोहन आमेज़ हैं तो हम क्या करते हैं हम इनको पकड़ लेते हैं मारते भी हैं और इनका खून बहा देते हैं तो अल्लाह ने आयतें उतार दी कि ये मेरा घर है यहाँ किसी भी तरह खून बहाने की इजाज़त नहीं दूंगा, यहाँ किसी भी तरह खून बहाने की इजाज़त नहीं दूंगा। और लेकिन मुसलमानों ने तो अपने आप को रोक लिया काफिर अपने आप को ना रोक सके काफिरों ने कई दफ़ा धोखेबाजी से काम लिया गद्दारी से काम लिया और मुसलमानों के जानवर जो अल्लाह की निशानियों के तौर पर हरम जाया करते थे उनको रोक लिया करते थे उनको पकड़ लिया करते थे तो अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि जो मेरी निशानियां हैं मेरी अलामतें हैं उनके साथ छेड़खानी ना करना वरना तुम्हें उसकी सख्त सज़ा दी जाएगी अल्लाह के घर को गिराने के बराह ने कोशिश की अल्लाह ने उसको सज़ा दी अल्लाह के घर को गिराने की ये ए, उसके बहजाज ने कोशिश की अल्लाह ने उसको सजा दी आप के रोज़ रसूल से हज़रा शेख़ैन सिद्दीक और हज़रतमर की नाश को निकालने की कुछ रवाफिज ने और कुछ शियों ने कोशिश की चालीस शिया थे चालीस शिया। और ये बड़ा मुस्ंद तरीन वाक तारीख़ में महफूज है कि चालीस शीयों ने वो उस वक़्त के सऊदी अहल फरमा के साथ साजब करके हज़रा शेखन यानी अबू बकर और उमर की नाश को निकाल कर उनको माजल्ला माजल्ला सूली पर लटकाने का फ़ैसला किया और सऊदी अरब के फरमा को बहुत बड़ी रकम दी वहाँ के जो दरबान था जो दरवाज़ों को बंद करने वाला था उसको पता चल गया कि ऐसा होने वाला है उसको वहाँ के बड़े ने कहा था कि फला फला दिन रात को कुछ लोग आएंगे तो उनको आने देना रोकना नहीं जो करें करने देना उनसे कुछ पूछना कोई नहीं है लेकिन उसको पता चल गया था कि ये क्या होने वाला है जिस रात उन्होंने आना था ये अल्लाह का बंदा सारी रात मसल्ले पर सर रख के रोता रहा या अल्लाह आज वो जुल्म ज़मीन पर होने वाला है ये तेरे हबीब की निशानियाँ हैं ये तेरे प्यारे की निशानियाँ हैं ये तेरी भी तो निशानियाँ हैं अल्लाह अपनी निशानियों की हिफाजत फरमा तो आज भी क्या हुआ जब वो लोग चालीस लोग कसियाँ को दाले लेके मजीद नबवी में गए हैं और मेरे नबी के रोज़ा के पास हज़रा शख़ैन की लाशों को निकालने के लिए पहुँचे हैं तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार फिर किया और ज़मीन को फाड़ा ज़मीन फटी है ज़मीन फटी है और चालीस के चालीस लोग ज़मीन के अंदर समा गए उसके बाद उनका नहीं पता कि ज़मीन किस किस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे खा गई फिर ये बड़ा सबको पता है आज ही वहाँ निशान बाकी हैं अब तो टाइलें लग गई हैं लेकिन पुराने अरबों को पता है मैं उम्र पे जब मेरा जाना हुआ तो मैंने पूछा वहाँ के पुराने बुज़ुर्गों से कि यह वाक्य किस जगह पर पेश आया तो उन्होंने निशानदेही की कि यहाँ पर उनको पता सबको तो बहर अल्लाह की निशानी है तो अल्लाह की निशानियों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए अल्लाह की निशानियों के साथ छेड़खानी नहीं कर इसमें सारी ही जो जो अल्लाह की निशानी मस्जिदें हैं मदरसे हैं उलमा हैं सुल हैं यानी जिसकी नस्बत अल्लाह की तरफ होती है क़ुरान है इन चीज़ों के साथ छेड़खानियाँ नहीं करनी कुरान को कभी हल्का समझ के उसके नाम की कस्में न खाएं अल्लाह की कसम कुरान की जो झूठी कस्में खाता है अल्लाह उसको दुनिया ही में सजा दे देते हैं दुनिया में बेशुमार वाक़ हैं, मैं उनको जिक्र नहीं करता एक्सीडेंट का हादसे का, पता नहीं किन चीज़ों का अल्लाह से तो ये मोटा सा जबता याद रखे हम सारे मुजरी हैं लेकिन अल्लाह कह रहे हैं यादी मेरी निशानियों को अपने लिए हलाल ना करो जो ज़मीन पर मेरी निशानियाँ हैं जो चीज़ें मेरी तरफ मंसूब हैं उनको अपने लिए हलाल ना करो कि फिर तुम्हें कोई पकड़ से रोक नहीं सकेगा तो बहरहाल यहाँ पे ये अल्लाह ताला ने जिक्र की आयतें इसी तरह आगे चलकर अल्लाह चल कर अल्लाह में ये आयत जिक्र फ़रमा रहे वबनम व ताबनआल तकवा लोगों नेकी के कामों में एक दूसरे की मददगार बनो और गुनाह के कामों में कभी भी एक दूसरे का साथ ना दो अल्लाह से डरो लोगों से ना डरना तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें किसी गुनाह के काम पर आमादा करता है किसी गुनाह के काम की तरगीब देता चलो उनका मजाक उड़ाएं चलो नाच गाना करें चलो उनको लूट लें चलो उनको नुकसान पहुंचा दें चलो मिल के उनके माल को खा जाए तो कभी भी गुनाह का साथ ना दें अल्लाह कह रहे हैं। लोगों से ना डरना व्ला मुझसे डरना इन अल्लाह इकाब मैं बड़ा सख्त पकड़ करने वाला हूँ जब पकडूंगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पकड़ आ गई कहाँ से पकड़ आ गई तो बहरल यहाँ अल्लाह इंसानों को ये बताया कि नेकी के कामों में एक दूसरे का ताउन मददगार बनना चाहिए गुनाह के काम में कभी भी एक दूसरे का मददगार नहीं बनना चाहिए और यहाँ इसमें आपको ये भी जिक्र करता चलू आपका घर है आपका गोदाम या मकान है तो वो कभी भी ऐसे शख्स को रेंट ना दें जो वहां गुनाह का काम करेगा है ना ऐसे लोगों को दें जो नैकी का काम करेगा आपका गोदाम है पता है कि यहाँ बैंक वाला आना चाह रहा है या सूदी कारोबार वाला अपना सूदी कारोबार चलाएगा तो आपने अगर उसको अपनी दुकान रेंट पर दी तो आप भी गुनहगार हैं आपको पता है कि आपका घर है वहाँ कोई कादियानी रहने के लिए आ रहा है आपको जायज़ नहीं है कि पैसों की लालच में अपना घर किसी कादियानी को किराए पर दे दें आपको पता है आपके घर में मशकूक किस्म के लोग आ रहे हैं लेकिन किराया ज़्यादा दे रहे हैं आपके लिए जायज़ नहीं है कि उसको वो आप अपना घर किराए पर दे दें हर तरह यही मिसालें हैं तो हर तरह जो है वो इसी तरह अल्लाह त गुनाह के काम में एक दूसरे के मदद नेकी के काम में बने नेकी के काम में एक दूसरे का साथ दें है ना कोई खैर के कामों में बढ़ाएं किसी को दीन की तालीम उसके लिए मान बने किसी को दीन के लिए भलाई उसके लिए मान बने कोई नेक बनना चाह रहा उसको नेकी का रास्ता बताएं नेकी का रास्ता सुझाएं तहदीस भी नेमत के तौर पर जिक्र कर रहा हूँ कल मेरा बड़ा मसरूफ़ दिन था दो जगहों पे अफ्ताह के लिए एक जगह पे अफ्ताह के लिए जाना था बहरिया कहीं वहाँ को अफ्ताह था और रमज़ान भी था उसकी भी तैयारियाँ थी काफ़ी सारी चीज़ें थी किसी नौजवान का कराची से फ़ोन आ गया मैसेज आया उसका मैसेज पे मैसेज कर रहा था मैं ले नहीं रहा था ज़ाहिर है कितने मैसेज कहाँ लिए जाते हैं मैं फिर उनको नज़रअंदाज कर देता हूँ तो उसने फिर कॉल की कि मुझे नमाज के मसाइल रमज़ान आ गया है और मैं रमज़ान से मुतक मुझे नहीं पता नमाज़ों का मैंने अब नमाज़ें पढ़नी है फ़र्ज़ किया होता है सुन्नत क्या होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में फ़ौरन ख्याल आया सारे कामों को छोड़ छाड़ कर इसको नमाज का पताऊ तो मैंने उसको कॉल की सारे कामों को अपने छोड़ छाड़ के मैंने उसको नमाज का तरीक़ा बताया नमाज के बारे में बताया क्यों कि ऐन मुमकिन है कि पता नहीं मेरी नमाजें तो रमज़ान में कबूल होना हो ये एक अल्लाह का बंदा नमाज़ों का सफ़र शुरू कर रहा है मेरे बताए तरीके पर पढ़कर चलेगा पढ़ेगा तो इसकी सारी नमाजों का अल्लाह मुझे अजर ताफ फरमाएंगे कि नेकी के काम में मदद करने वाले को अल्लाह पूरा अजरा ता फरमाते तो आपको भी बेशुमार ऐसे मौके मिलते होंगे बेशुमार जगहों पर आपको भी के वो बताया जाने से कि नेकी की किसी का रहनुमाई कर दें नेकी का बता दें यहाँ आप जिस चीज को बताएंगे कि दर्श हो रहा है या वैसे भी जहां जहां पे हो रहे हैं लोगों को खैर की जगहों को पता बताएं खैर के राहों को बताएं ताकि जो भी शराह के ऊपर चलेगा अल्लाह चलने वालों को उसका जरा ता फरमाएंगे तो ये आयत कुरान की जहन में रखें बल्कि इसको याद भी रखना चाहिए कि वला तआव तलब्री व तकवा नकी के कामों में एक दूसरे के मददगार बनो वला तावन अलस्म और गुनाह के कामों में कभी भी एक दूसरे के मुआन न बनो कि अल्लाह की पकड़ आ जाती आपने सुना होगा हज़रत इब्राहिम आल सलासलम के वाक़े में अब जो नारे नमरूद थी नमरूद की लगाई हुई आग थी कोई छोटी आग नहीं थी वो कोई करीब भी नहीं जा सकता था लेकिन कबूतरों ने एक कबूतर ने वो नारे नमरूद को बुझाने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा किया चूंच में पानी लेकर दूर से ही फेंकना चाहा अल्लाह ताला को कबूतरों के दादा की वो अदा इतनी पसंद आई इतनी पसंद आई के इब्राहिम के बनाए घर पर उनको ठिकाना दे दिया आज बैतुल्ला में रोज़ा नबी पर कबूतरी कबूतर कबूतरी कबूतर सारे होटलों की खिड़कियों में कबूतरों ने घोंसले बनाए हुए कोई उन कबूतरों को मार नहीं सकता कि उनके मारने की इजाज़त नहीं है वो अल्लाह के पड़ोसी हैं अल्लाह की पनाह में हैं तो दादा कबूतर ने ये काम किया अल्लाह ने कबूतरों की नस्ल के बारे नियारे कर दिए और गिरगिट भी आया था ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि नेकी के कामों पर मुआविन बनने में अल्लाह क्या देता है और गुनाह के कामों में मुआविन कबूतर नेकी के काम में मुआविन बने तो अल्लाह ने क्या दिया और गिरगिट ये गुनाह के काम में मुआविन बने ये आया नमरूद की तरफ से और इसने आकर उस आग में फूंके मारना शुरू कर दी आग को जलाना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इसकी नफरत डाल दी इसको मारने का हुक्म दिया और इसकी जो पोतियाँ पड़ पोतियाँ यानि छिपकलियाँ हैं या नवासी जो भी हैं भारल इनकी नसर से छिपकलियाँ गिर गिट के मारने पर सवाब और छिपकली को एक दफ़ा के मारने पर आप आल सलाम ने सो नेकियों का अजर और सवाब बताया है एक तो इसकी मुजी होने की वजह से और दूसरा जो रिवायात से पता चलता है कि ये गुनाह के काम में ये नमरूद की साथी और माविन बनी थी तो भहरल कभी भी वो गुनाह के काम में एक दूसरे के मुआविन न बने नेकी के काम में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करें यहाँ अल्लाह ने एक चीज़ और ज़िक्र की है बस टाइम का पता नहीं चलता है और चीज़ें काफ़ी सारी रह जाती हैं लेकिन यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि अल्लाह ने ये जो कारखाना कुदरत बनाया है बाज़ों को बाज़ों का मोहताज बनाया है ना सारों को मालदार ना सारों को गरीब सारों को मालदार बनाते तो उनके काम कौन करता है ना सारों को गरीब बनाते उनको खिलाने पिलाने के लिए पैसा कहाँ से आता किसी को मजदूर किसी को मिस्त्री किसी को आलिम किसी को जाहिल किसी को लोहार किसी को बढ़ई किसी को बिजनेसमैन किसी को दुकानदार किसी को मोची किसी का बाटा वाला कोई किसी को क्या बना दिया किसी को क्या बना दिया ये मेरे रब की तकसीम है और इसी में अल्लाह की हिकमत है तो हमें अब इन कामों में रहते हुए एक दूसरे का माविन बनना चाहिए एक दूसरे का मददगार और साथी बनना चाहिए और इस तकसीम को समझना चाहिए इस पर राजी रहना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ये काम क्यों दे दिया कभी भी इस पर शिकवा ना करें वरना क्या होगा हसद में मुब्तला कर दिए जाएंगे वरना क्या होगा वाला चा अल्लाह कह रहे हैं कि तमन्ना और आरज़ू ना करो उन नहमतों की जो मैंने किसी और को दी और तुम्हारी इख्तियार में नहीं है किसी को काला बनाया गोरा बनाया हसीन बनाया बदसूरत बनाया शहर में पैदा किया देहात में किया मेरी तकसीम पे राजी रहो छोटे ख़ानदान में पैदा किया बड़े में किया तकसीम पे राजी रहना और समझना कि इसमें ही मेरी बेहतरी है मेरा रब खूब मेरी बेहतरी को जानता है मुझे ये ख़ानदान क्यों दिया मुझे ये शहर क्यों दिया मुझे इस गांव में क्यों पैदा किया हम कमज़ोर हैं अपनी हिकमतों को नहीं जानते तो कभी भी अल्लाह की हिकमतों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए एक बुज़ुर्ग थे किसी बस्ती में रहा करते थे तो बस्ती में कोई भी जुर्म होता तो र जराइन के पीछे पैसा छुपा होता है पैसा ना होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से जराइम होते हैं ज़्यादा पैसा हो इंसान अयाशियों में पड़ जाता है बुराइयों में खुल्म खुल्ला इर्तिकाब करता है थोड़ा हो इंसान चोरी डकैती डाके रिश्वत सूद की तरफ चल पड़ता है तो थोड़ा पैसा होना भी नुकसानदेह है ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है तो वहाँ बस्ती में कोई भी जुर्म होता सबके पीछे पैसा छुपा होता था पैसा तो इन्होंने क्या किया इन्होंने ये किया अल्लाह से दुआ की या अल्लाह सारे लोगों को मालदार बना दे इन्हें ख़्वाब में इल्हाम किया गया कि हमारी हिमत है छोड़ दो यह दुआ ना करो थे मुस्तव फिर दुआ करती अल्लाह सारों को मालदार बना दे ताकि जुर्मना हो अल्लाह ने क्या किया वहाँ करीब ही वो की ख़ज़ाना निकल गया सारे लोगों ने मिलकर बांट लिया सारों के पास पैसा आ गया पैसा आया तो अब गह, उस बस्ती में भंगी भी आता था और माश की पानी लेकर आता था और सफाई वाला भी आता था तो घरों में वो ये गलाजत का रिवाज था वाशरूम तो होते नहीं थे तो घरों में गंदगी स्टोर की जाती थी भंगी आके ले जाता था तो दो तीन दिन हो गए भंगी कोई नहीं आया सारे गांव में स्मेल शुरू हो गई तो बुज़ुर्ग भागे भागे भंगियों के पास गए अल्लाह के बंदे तो क्यों नहीं आ रहा उसने कहा जी बस जी बस बड़ा पैसा आ गया और बड़ा कमा लिया बैठ कर खाने के दिन है और मैं ये काम छोड़ चुका हूँ अब बड़े परेशान क्या करें वो तीसरे दिन जो है वो माश्की कोई नहीं आया पानी लेके सड़कों में धुआं धुआं हो गया घरों का पानी खत्म हो गया माशकी के पास गए दौड़े दौड़े ओ अल्लाह के बंदे क्यों नहीं आ रहे कहा जी बस बस बड़ा पैसा आ गया सारी जिंदगी ये काम करके थक चुका हूँ अब तो जो है बस उसी पे गुजारा करेंगे मैं ये काम छोड़ चुका हूँ बुजुर्गों की लग गई समझ के मैंने अल्लाह के निजाम में अपने कुल कायन के रब के निज़ाम के सिस्टम में दखल अंदाज़ी की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने हमें धक्का लगा दे उसी वक्त फ़ौरन दुआ किया अल्लाह तू ने जो जो जिसको जैसे बनाया है वैसे बना दे और अपने कुदरत का कारखाना चलाता रहे हम से ये चीज़ें बहुत भारी हैं और हम इन चीज़ों से हाजिज़ें तो अल्लाह ने जो जिसको जैसा सा बना दिया उसी पर राजी रहना चाहिए और उसी पर ही उसको समझकर कोशिश में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए अच्छा यहाँ ये है आगे चलकर अल्लाह ताला हराम चीज़ों के बारे में बता रहे हैं वो मैंने पहले भी इशारा किया था कि बहने वाला खून है और ख़न्ज़ीर है और वो जानवर जो अपनी मौत आप मर जाए और इसी तरह से ऊपर से कोई फेंका जाए या गैरुल्ल के नाम पर िबा किया जाए अच्छा एक चीज़ यहाँ ये रखें जहन में हम जो कहते हैं ना बस अवकात हमारे भाई बहनें हमारे यहाँ खाना भेज देते हैं वो ग्यारहवीं का भेज दिया या जो है वो रबी अव्वल पे आ गया मुहर्रम में आ गए सफ़र में आ गए खाने भेज देते हैं और हम समझते हैं कि ये तो गैरुल्ला के नाम पे याद रखें गैरुल्ला के नाम पे नहीं होते ये गैरुल्ला के नाम पे होने का मतलब ये होता है कि पहले लोग जानवर ज़िबा करते थे लात और ओजा बुत थे हम कहते हैं अल्लाह के नाम के साथ ़िबा करता हूँ अल्लाह का नाम लेके जानवर जिबा करता हूँ वो कहा करते थे बिस्मिल उज्जा लात के नाम के साथ जीबा करता हूँ उज्ज़ा के नाम के साथ जीबा करता हूँ तब वो जानवर हराम होता है वरना हराम नहीं होता वरना तो जो बुज़ुर्गों के नाम पर किया जा रहा होता है ये असल में उनको इस सवाब मकसूद होता है जैसे हम कुर्बानियों पर करते हैं दादा के नाम का हिस्सा दादी के नाम का हिस्सा तो नस्बत उनकी तरफ कर दी ना वो तो फौत हो चुके हैं तो इसी तरह हम जब अल्लाह वालों के नाम पर ये कर रहे होते हैं हमारे कुछ दोस्त अहबाब तो वो हराम खाना नहीं होता तो ये गलत फहमी हराम तब होता है अगर वो इस तरह िबा करें कि बीसवीं अब्दुल कादिर ये बकरा मैं बा करता हूँ शेख अब्दुल कादिर जलानी का नाम ले अल्लाह का नाम ना ले बीसवीं कादिर का नाम ले ले है ना ये फिर वो हराम हो जाएगा कि गैरुल्ल के नाम पे तो गैरुल्ल का मतलब ये होता है बाकी जो इतने ख़तरनाक फ़तवे दिए जाते हैं तो वो इतने ख़तरनाक फ़तवे नहीं हैं इसमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए अच्छा जी यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये चीज़ें जिक्र की हैं और आगे है अहल किताब का खाना ये हलाल के हराम है व तमवी ओतुल्कताब्ल को के अह किताब जो यहूदी हैं और ईसाई हैं तो इनका खाना मुसलमानों के लिए हलाल है कि हराम है यहाँ ये यह चीज़ याद रखें कि यहाँ खाने से मुराद अहल किताब का ज़बीहा़ है ज़बीहा उनका ज़िबा किया हुआ जानवर आपके मोहल्ले में किसी ईसाई ने दुकान बना ली वो भी अल्लाह का नाम ले करता बसमिल्ल तो वह जानवर हलाल है आपके मोहल्ले में किसी क्रिश्चन या जीव ने दुकान बना ली कसाई की और वह कहता बिस्मिल्ला के नाम के साजिब तो वो हलाल है जानवर वो हलाल होता है और इसमें भी ज़्यादा चक्कर में ना पड़ा करें आप जो है वो मुर्गी वालों से मुर्गी लेने जाते हैं वो उसको कहते हैं नहीं ऊँची चीजें बकर वो हलाल है हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम होता है वो ऊंचा पड़े दिल में पड़े अगर ना भी लें नाम अल्लाह का उसके दिल में है तो वो जबीहा मुसलमान का हर सूरत में हलाल होता है हाँ कोई जानबूझ कर ये नीयत करके कि मैंने अल्लाह का नाम लेने ही कोई नहीं है तो ऐसा तो कोई मुसलमान कोई कसाई नहीं करता तो तब हराम होता वरना वो हलाल ही होता है यहाँ मुराद ईसाइयों का ज़बीहा है वरना जो चीज़ें वो ज़बीहा में नहीं आती यानी सब्जियां हैं और चावल हैं गंदुम हैं आपके ऑफिस में कोई हिंदू काम करता है आपके पड़ोस में कोई हिंदुवानी रहती है वो अपने घर से कोई चीज़ पका कर ले आती है तो उसके खाने की इजाज़त है आपको चावल ला कर दे चने ला कर दे आपको जो है वो आटा ला कर दे, खुश्क चीज़ें ला कर दें तो वो बग़ैर किसी तरह के उनका इस्तेमाल करना हलाल है हाँ एक अलग बात इसमें यह है कि चूँकि काफिरों को पाकी नापाकी का ख्याल नहीं होता तो इस ख्याल से उसके इस्तेमाल से परहेज़ कर लें तो ये अलग बात है वरना उनका लाया हुआ साजो सामान शरीयत ने मुसलमानों के लिए हलाल करार दिया हुआ है तो इस बात को जो है वो अपने जहन में रखें कि वो उनका ये हलाल होता है अगर कोई हिंदू किसी के यहाँ काम करता है वो अपने घर से सब्ज़ी बनवा कर लाया है तो उसके साथ खाया पिया जा सकता कोई हरज और की बात नहीं है और बाकी रहा ज़बीहा तो ईसाइयों का ज़बीहा और यहूदियों का ज़बीहा वो अल्लाह ताला ने हलाल किया हुआ है इसमें ज़्यादा वहम में नहीं पड़ना चाहिए बाज़ हमारे लोग वहम में पड़ जाते हैं इतनी भी वहम की ज़रूरत नहीं है जब आप सलात वसला मदीना मनवरा तशरीफ़ लाए हैं तो अब जाहिर है दाएँ बाएँ वाले ईसाई भी हैं यहूदी भी हैं अम्मा आयशा के पास हदिया आया करते थे गोश्त के खाने पीने की चीज़ें जाहिर है मेरे नबी के घर में हदियों की बहतात थी तो अम्मा आयशा के पास आते थे क्योंकि इल्म वाली भी थी हुजूर की लाडली बीवी भी, भी थी तो उनके पास कसरत से हदी आते थे तो अम्मा आयशा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग गोश्त लेकर आते हैं पता नहीं कैसा है ये हलाल भी है कि नहीं है तो हजूर ने फरमाया आयशा सब मिल्लाकुल अल्लाह का नाम लो और खा जाए अल्लाह का नाम लेने से वो लेकिन ये एक तो हम चूंकि मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं तो यहाँ यहाँ कसाईयों को जोर जोर से तकबीरें पढ़वाने की जरूरत है नहीं है वो दिल में पढ़ ले तब भी काफी हो जाती है अच्छा जी यहाँ पर अल्लाह ताला पहले किताब ईसाई और यहूदी औरतों के साथ निकाह की इजाज़त भी दे रहे हैं अल्लाह ताला पहले किताब के साथ वो निकाह की इजाज़त भी दे रहे हैं यहाँ एक चीज़ याद रखें मश्रक औरतों से तो निकाह की इजाज़त नहीं है और अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसे हो भी जाता है पिछले ही हफ़्ते गालिबा मेरे पास फ़ोन आया हुआ था किसी शख्स का कि हमारा भाई यहाँ से बाहर गया वहाँ जा के किसी गैर मुस्लिम ना ईसाई ना यहूदी से निकाह कर लिया और काफिर हो चुका है क्या उसको मीराश मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो याद रखें अगर कोई मुसलमान काफिर हो जाए तो वो मीराश का हक़ खो देता है उसको मीराश नहीं मिलती यानी यहाँ तक हालात जा चुके हैं कि अल्लाह माफ़ फरमाए इन चक्करों में पड़ के दुनियादारी में और सिर्फ दुनिया ही दुनिया में लोग अपने ईमान के सौदे भी करने लगे बच्चों को बाहर भेजें ज़रूर भेजें मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि हम उनको माल कमाने के लिए भेजें लेकिन खुदा रहा उनकी तरबियत करके भेजें उनको थोड़ा सा दीन पढ़ा के भेजें थोड़ा सा अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक जुड़वा के भेजें वरना वो अगर जाएंगे तो वहाँ वो हवाएं चलती हैं कि कोई कोई और कम कम उन हवाओं से बच सकते हैं उन हवाओं से कम कम ही बचा जा सकता है तो बाहर इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए तो अल्लाह ताला ने काफरों के साथ निकाह की इजाज़त दी हजरत हज़रतजैफ़ बिन यमान जब मदाइन पहुँचे तो वहाँ की यहूदी औरत से निकाह कर लिया हजरत हज़रतर फ़ारूक को इतला मिली उनको ख़त लिखा कि इसको तलाक दे दो हज़रत ने जवाब में लिखा कि वो मेरे क्या वो मेरे लिए हराम है उमर ने लिखा कि हराम तो नहीं है लेकिन उन लोगों की औरतों में आम तौर पर इफत और पाक दामनी नहीं है इसलिए मुझे ख़तरा है कि आप लोगों के घराना में इस रस्ते से बेहयाई और बदकारी दाखिल हो जाएगी है ना इसी वजह से हम यही फतवा देते हैं। इमाम अजम अबू हनीफ़ा रमत का फतवा यही है कि एक ईसाई औरत के साथ एक यहूदन के साथ निकाह करना तो बहुक्म कुरानी जायज़ है लेकिन बाद में चूंकि ये हुआ कि मुसलमानों ने यहूदनों से ईसाइयों से निकाह किया जिसकी वजह से मुसलमानों में निकाह की कमी आ गई और मुसलमानों ने अपना दीन भी बिगाड़ दिया दीन नसल काफिर की काफिर खुद हमारे वज़ी साहब को देख लें बात ज़िमनन आ गई मेरा हरगे मकसद किसी का बा... मैं तो बात एक जिक्र कर रहा हूँ कि उनके बच्चे मुसलमान नहीं हैं अब ये कितने बड़े घाटे का सौदा है कि एक आदमी खुद मुसलमान हो अच्छे काम करे नेकी के काम करे लोगों को नफ़ा पहुंचाए, खुद जन्नत में चला जाए लेकिन बीवी -बी भी जहन्नुम में बेटा भी जहन्नुम में बेटी भी जहन्नुम में अगर यही औलाद मुसलमान की होती है ना मुसलमान बीवी से होती तो कितना फ़ायदा होता या बच्चे मुसलमान कम अज़ कम कर तो आम तौर पर चूँकि बच्चे अपनी माओ ताबे होते हैं माओ के कंट्रोल में होते हैं और माओ का दिन इख्तियार करते हैं तो ये इससे मुसलमान का बड़ा घाटा है कि उसके बच्चे वो काफिर हो जाए काफिर रहें तो इसी वजह से उमर रजी अल्लाह का फतवा यही था कि एक ईसाइन यहूदन के साथ निकाह की तो इजाज़त देते थे लेकिन पसंद नहीं फरमाते थे और इसी वजह से हम जो अहनाफ हैं हनफिया के हाँ हम आम तौर पर मना कर देते हैं लोगों को कि भई ईसाई से निकाह ना करो यहउदन से निकाह ना करो कि वो हज़रत उमर तो फिर हजरत उमर हैं हजरत उमर तो वह हैं जिनकी मंशा चाहत पर अल्लाह ने सतर आयतें उचार दी हजरत उमर तो वह हैं औरतों को पर्दे का हुक्म दिया मेरे नबी मना नहीं करते थे लेकिन हज़रत उमर के ज़माने में ही कुछ वो इस तरह के हालात पैदा हो गए कि सहाबियात ने फिर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया बाज़ार और कहीं जाना तो दूर की बात थी दूर की बात थी तो बहरल इन चीज़ों को जहन में रख कर हमें फ़ैसले करने चाहिए अपने बच्चों को समझा के भेजें कि बाहर जा रहे हैं आपको गोरियां भी मिलेंगी ईसाइयों की शक्ल में यहूदियों की खुद मेरे जान पहचान वालों ने कईयों ने क्यों ही है और फिर सब ने तलाक़ें भी दी हुई हैं और सब के दिन का भी नुकसान हुआ है सब के तो हजरत उमर हजरत उमर हैं जो हमारे बड़ों के फतावा होते हैं ना ये कोई मजा नहीं होते ये अल्लाह उनकी ज़ुबान से कहलवाता है अल्लाह उनकी ज़ुबान से कहलवाता है तो बहरल इसका भी ख्याल किया जाए इसी तरह आगे चल कर अल्लाह कह रहे हैं वत करू अल्लाह आलकुम ए बंदो मेरी नेमतों को तो याद करो मैंने तुम पर क्या क्या नेमतें की हैं यहाँ पर आप वाली सलात व सलाम पर की गई नेमतों को बताया जा रहा है वैसे तो सारी नेमतें हैं आप सलात व सलाम पर की गई नेमतों का कुछ जिक्र किया जा रहा है कि आप वाली सलात वाम जिहाद पे थे आराम फरमा रहे थे अपनी तलवार आपने दरख्त के साथ लटकई हुई थी एक आदमी दाव लगा कर आया दिहा और देखा कि ये तो महम्मद कतल करने के इरादा किया लेकिन आप वाली सलतलाम का सोते में रोब इतना था कि मेरे नबी पर वो तलवार नहीं उठा सकता था हजूर बेदार हुए तो उसने तलवार को लहरा कर कहा का मैम आपको मुझसे कौन बचाएगा देख कर कहा अल्लाह फिर कहा मैम नाऊ का मैं मिन्नी कौन बचा अल्लाह तीन दफा कहा तो इतने रोबदार आवाज में, में मेरे नबी ने वो रोबदार रब का नाम लिए अल्लाह उसके हाथ से तलवार गिरी कांपना शुरू हो गया तो हजूर ने तलवार पकड़ के कहा तू बता तुझे कौन बचाएगा तू बता तुझे कौन बचाएगा कहा मुझे तो आप ही बचाने वाले आप ही बचाने वाले तो यहाँ अल्ला ने हिफाजत की इसी तरह से काबि नशरफ यहूदी ने एक मरतबा आप सलात साम को अपने घर बुला कर अपने घर में कत्ल करने की साजिश की अल्लाह तला ने आप सलात वाम की इतला कर दी और काबि नशरफ की सारी साजिश खाक में मिल गई और इसी तरह से एक मरतबा सलाम को कबीला नजीर के यहूदियों ने दावत दी और हजूर को एक दीवार के नीचे बिठा दिया मकसद ये था कि दीवार के नीचे बिठा देते हैं और ऊपर से बड़ा पत्थर फेंकेंगे और माज़ल्ला माज़ल्ला आज मोहम्मद का ख़ात्मा कर देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा तो जब हुजूर दीवार के नीचे बैठे हैं और हुजूर को बातों में लगाया है और अमरबिन जाश को हजूर के कत्ल करने के मनसूबे पर लगाया है तो अल्लाह ताली ने जबरील को दौड़ाया कि जाओ जा कर मेरे नबी को तला करो कि ये आपके कत्ल के साजिश रचा रहे हैं तो आप आपसलात वसलाम फ़ौर वहाँ से उठ कर आए और अल्लाह ताली ने आपके हिफाज़त की तो यहाँ पर बहराल अल्ल तक आयत में ज़िक्र फ़रमा रहे हैं यादीन आम ऐ मान वालो अल्लाह की नहमतों को भी याद किया करो अल्लाह कैसे कैसे तुम्हारी हिफाजत करता है हम हवाई जहाज़ में हैं उसको गिरने से अल्लाह हमें बचाता है हम मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं आगे आंखों के सामने कोई पतंगा कोई कीड़ा आता है आंख में गिरने लगता है हमारी आंखों का पर्दा अल्लाह गवा के हमें बचाता है तो अल्लाह हमारी हिफाजत हर जगह पे अल्लाह हमें बचा रहा है हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जिसम में दो नालियाँ हैं एक खुराक की और एक सांस वाली अल्लाह ने दो फरिश्ते बिठाए हुए हैं कि जब सांस ले तो ख़ुराक का जर्रा ना जाने दो ढक्कन को नीचे गिरा दो जब सांस ले तो खुराक का जर्रा उसमें ना जाने दो उसका ढक्कन नीचे गिरा दो हर वक़्त दो फरिश्ते बैठ कर हमारे सांसों की भी हिफाजत कर रहे हैं हमारे खुराक वाली नाली की भी हिफाज़त कर रहे हैं बेशुमार नमतें हैं वन तद नत अल्लाह तफस अल्लाह की नहमतों को गिरना शुरू करेगा तो गिर नहीं सकोगे शुमार नहीं कर सकोगे तो बंदो अल्ला की

इंसान जब कोई गुनाह करता है अल्लाह दिल पर श्या रंग का नुक्ता लगा देते हैं दिल पर श्या रंग अगर तोबा करता है अल्लाह माफ़ कर देते हैं तोबा नहीं करता एक नुक्ता और लग गया तीसरा गुनाह किया एक नुक्ता और लग गया करते 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 अल्लाह सारे दिल को सियाह कर देते हैं और फिर क्या होता है कोई कुरान की बात उस पर असर नहीं करती कोई हदीस की बात असर नहीं करती कोई किसी अल्लाह वाले की नसीहत उसके कान पर नहीं जूंती और यूँ अल्लाह उसके दिल पर जंग लगा देते हैं कि जंग लगी चीज़ पर थोड़े पानी से काम नहीं चलता जंग लगी चीज़ पर उसको साफ़ करने के लिए तेजाब बहाना पड़ता है तो उसके लिए बड़ी वो इसी वजह से शरीयत ने हमें क्या कहा आप सलात सलाम ने फरमाया कोई गुनाह करो तो कर लिया करो कोई भी उसके बाद नक्की कर लो तो गुनाह को मिटा दिया जाएगा कि रामन काति है ना जब इंसान गुनाह करता है तो दाए वाला फरिश्ता बाएं वाले से कहता है कि नहीं नहीं अभी ना लिख अभी ना लिख ये तोबा करेगा तोबा कर ले तो इसके गुनाह को लिखने की ज़रूरत नहीं है वो लिख लेता है लेकिन कच्ची पेंसिल से लिखता है फ़रिश्ता इंतज़ार में होता है जैसे तोबा करता है जैसे उसके बाद कोई नेकी करता है कच्ची पेंसिल से लिखा हुआ गुनाह का लिखा हुआ फ़रिश्ता फौरन मिटा देता है फौरन मिटा देता है लेकिन अगर बंदा गुनाह करके ढीठ बन जाए गुनाह पे गुनाह गुनाह पे गुनाह गुनाह करके तोबा ना करे या गुनाह पे गुनाह करके कोई नेकी उसके बाद ना करे तो उसका वो गुनाह पक्की पेंसिल से लिख दिया जाता है फिर पक्की तोबा करने से ही मिटता है फिर वो नेकियों के करने से नहीं मिटता तो बहर अल्लाह इस फलसफे को सुना रहे हैं इन श्ला इस पर भी जो कभी तफसील से बात की जाएगी आगे चल कर अल्लाह तब यहों की कारस्तानियाँ बता रहे हैं कि जब उनको कहा था अर्ज में चले जाओ है ना अर्ज में चले जाओ कालू या मूसा खुलाहा अब मादा मुफीहा जब अल्लाह ताला ने यहूदियों को मिस्रियों से फिरौन से बचाया है तो इनसे कहा कि जिहाद के लिए जाओ फ़लस्तीन की सरजमीन में इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा तो वहाँ इनके बारह लोग थे एक कौमी आमालिका के बड़े से आदमी ने बारह को पकड़ लिया ये उनकी दहशत को देख कर परेशान हो गए आकर हजरत मूसा से कहने लगे का फकातिला मूसा तू जा अपने रब देनाल। हमने कोई नहीं जाना है वो बड़े तगड़े लोग हैं हमने कोई नहीं जाना है तू अपने रब के साथ जा तो अल्लाह ताला ने फिर इनको सजा दी वादी तीह में इनको कैद कर दिया और वो छोटी सी वादी थी चंद किलोमीटर पर फैली सुबह से चलते शाम को पहुँचते शाम को दोबारा वहीं कोल्लू का बैल बना दिया कोल्लू का बैल सारा दिन चलता 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 मालिक को फ़ायदा पहुँचाता रहता है लेकिन शाम को वहीं आप पहुँचता है जहाँ से उसने सफ़र शुरू किया था जहाँ से चला था तो बहरल ये हज़रत व सलाम की कौम भी अजीब थी बनी सराइल वाले हज़रत मूसा को बदबक कह रहे हैं के वहाँ मिस्रियों से तो बचवा लिया अब यहाँ पकड़वाने का मरवाने का इरादा है तू खुद जा के जंग कर सिर्फ दो लोगों ने हजरत मूसा का साथ या दो हवारी और ऐसी बदबक कौन थी अल्लाह ने सब को फिर वादिय थी में चालीस साल सजा दी और जब आप सलात वो सलाम बदर में मौका था निहत्ते थे मुसलमानों के मुकाबले में एक हज़ार काफिर थे तो मकदार बिनस्बत आगे बढ़े और अर्ज़ के या रसूल अल्लाह की कसम हम हरगिज़ वो बात नहीं कहेंगे जो व सलाम की कौम ने हजरत मुस से कही थी कि तू जा अपने रब को लेके लड़ ले हम तो आपको कहते हैं हमें जहाँ लेके जाना है चल पड़े हम आपके तीरों में से तीर हैं जहाँ फेंकना है फेंक दे जो हमारे साथ करना है कर ले हम आपके लिए अपनी जानों तक औलादों तक को कुर्बान करने को तैयार हैं तो बहर तपली सलातम को ऐसे सहाबा दिए बड़ा फ़र्क होता है सहाबा में और 1400 साल के बाद इंसानों में वापस उम के लिए मर मिटने जानने को कुर्बान करने को हर चीज़ के लिए तैयार थे जब हर अल्लाह ताला ने ते जिक्र किया आगे चलकर अल्लाह ताला ने इस छठे पारे में हाबील और काबिल के किस्से को वत नबा अब नहीं आदमिलहक

वो उनको उम्मीदें लगती थी तो तो अमैन पैदा होते थे यानी लड़का लड़की एक हमल से एक लड़का एक लड़की पैदा होते थे तो तो चूंकि सगे बहन भाइयों का निकाह नहीं हो सकता तो एक ही हमल से जो बहन भाई पैदा होते तो उनका निकाह आपस में जायज़ नहीं था दूसरे हमल से जो पैदा होते थे मकसद चूँकि नस्ल इंसानियों को बढ़ाना था तो उनका आपस में यानी एक हमल से जो बहन भाई पैदा हुए हैं दूसरे हमल से पैदा होने वाले बहन भाइयों के साथ निकाह कर सकते थे इस तरफ का भाई उस तरफ़ की बहन इस तरफ की बहन उस तरफ़ का भाई ऐसे ही था एक थल हमल से काबिल पैदा हुआ उसके साथ लड़की पैदा हुई जो कि बड़ी हसिनो जमील थी दूसरे हमल से हाबिल पैदा हुआ लड़की पैदा हुई बड़ी बदसूरत थी अब जब निकाह का मौका आया तो काबिल ने कहा कि मैं अपनी ही सगी बहन से निकाह करूँगा मैं हाबिल की बहन से निकाह नहीं करूँगा नहीं करूँगा तो हज़रत आदम आ ने इसको कबूल नहीं फरमाया और इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया काबिल कहता नहीं मैं अपनी ही सगी बहन से जो मेरे साथ पैदा हुई थी निकाह करूंगा हाबिल वाली से नहीं करूंगा हाबील बिनी मानता था तो हजरत यादम ने दोनों का झगड़ा ख़त्म करवाने के लिए कहा चलो कुरा अंदाजी कर लो कुरा अंदाजी मैंने पहले भी जिक्र किया था कुरा अंदाजी करना मसनून आमल है जायज़ कामों में बच्चों के दरमियान कोई चीज़ बांटनी हो कोई फैसला करना हो कोई वो वजह तरजीह कोई प्रेफरेंस ना हो किसी एक को ज़्यादा तरजीह देनी हो प्रोटोकॉल देना हो तो कुरानंदाज़ी के ज़रिए दिया जा सकता है ये हज़रत आदम के ज़माने से चला आ रहा है मेरे नबी भी जब सफ़र पर लेकर जाते थे बीवियों को तो कुरानंदाज़ी करवाया करते थे तो कुरानंदाज़ी करवाना किस को लेकर जाना है इसको रिवाज दें तबाह हज़रत आदम ने कुरानंदाज़ी करना चाहिए तो दोनों मान गए मान गए अब कुरानदज़े में उस वक्त क्या होता था हर एक अपनी अपनी कुर्बानी करता आसमान से आग उतरती थी अल्लाह जिसकी कुर्बानी कबूल करते आग आकर खा जाती थी और अल्लाह जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं करते वो वहीं पड़ी रहती थी आग नहीं आया करती थी तो काबिल के पास क्या था काबिल के पास गल्ला गंदम वग़ैरह की चीज़ें थी काश्तार था और हबील भेड़ों बकरियों वाला था इसने भेड़ और बकरियाँ ला के मैदान में रख दी आसमान से आग आई आसमान से जब आग उतरी है तो आग आने के बाद हाबील की भेड़ बकरियाँ खा गईं और काबिल का कुछ भी ना खाया जिससे समझ गए कि अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली काबिल की नहीं की तो वो शादी हो गई हाबील की काबिल की बहन के साथ जिससे काबिल हसद में मुबला हुआ और हसद में मुबतला होकर उसने क्या किया अपने भाई को कत्ल कर दिया जब काबिल देखें इसकी पता कैसे लगाएं कातिल कौन था तो कत्ल के शुरू में भी काफ आता है और कत्ल करने वाला काबिल है उसके शुरू में भी काफ आता है बसावकात इंसान को ये भूल जाता है कि कातिल कौन था दोनों भाइयों में तो इसका आसान सा नुस्खा है कि कत्ल करने वाला था काबिल तो कत्ल के शुरू में भी काफ आता है और कातिल के शुरू में भी काफ आता है इससे यह समझना याद रखना आसान होता काबिल को कातिल काबिल था तो काबिल ने भाई को कत्ल कर दिया कत्ल करने के बाद अब इस फिक्र में है क्या करूं क्या करूं हाबील ने अपने भाई पर हाथ नहीं उठाया हबील क्यामत के दिन मजलूमों का सरदार बन के खड़ा होगा और काबिल क्यामत के दिन सारे कातिलों का सरदार बन के खड़ा होगा कि कत्ल की रिवायत इसने डाली है कत्ल का बीज इसने बोया है क्या मत तक जितने कत्ल होंगे अहदिस मुबारक में आता है अल्लाह सारे कत्लों की सजा काबिल को देगा कि इसने रोए जमीन पर कत्ल की बुनियाद डाली है तो काबिल ने हसद में आकर से में आकर कि अल्लाह ने यह मेरे भाई को दी मुझे क्यों नहीं दी चाहता शुक्र कर लेता मर के अल्लाह भी ये सारी नमत अता कर देता लेकिन हसद में जल्दबाज़ी में कीना में बुग्ज़ में नफ़रत में क्या किया कत्ल कर दिया और कत्ल करके हमेशा हमेशा का जहन्नम का हकदार बना तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें अल्लाह ताला इस आयत में ज़िक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह के आमाल के कबूल होने की शर्त तकवा है तकवा इन तकबल्लामत अल्लाह इबादत कबूल करता है तकवा वालों से एक आदमी नकियाँ पैसे लुटा रहा है तकसीम किया जा रहा है बाजार में लेकिन मकसद लियाकारी भी है नीयत भी है और खौफ खुदा भी कोई नहीं है तो कोई सवाब नहीं मिल रहा शोहरत मिलना थी मिल जाएगी शोहरत मिलना थी मिल जाएगी लोगों में मशहूर हो जाएगा लेकिन अल्लाह इस अमर का और अजर का उसको अता नहीं फरमाएंगे उसको नेकियां और उसका बदला अता नहीं फरमाएंगे चलें जी काफ़ी हो गया इसमें बहुत सारे अहकाम बाकी हैं लेकिन टाइम भी हो गया है चलें बस एक हुक्म जिक्र कर दूँ अहम बात है एक और बात करके फिर बस दुआ कर लेते हैं इन शरना काफ़ी सारी चीज़ें बाकी रहेगी टाइम शॉर्ट होता है जाहिर है आप लोगों के लिए मस मैं तो फ़ारिग हूँ इन्हीं कामों के लिए मुझसे तो आप सारा दिन बुलवाते रहें अभी आप लोग जाएँगे फिर मैंने किसी और को तफसीर नौजवान पढ़ने के लिए आ जाएंगे मैं तो उनको पढ़ाऊँगा एक बजे इन तो मैं तो फारिग हूँ जिन कामों के लिए बस वो आप लोगों की ज़ाहिर मसरूफियात हैं सारी चीज़ें हैं तो बहर हमारा यही पढ़ा पढ़ाया कबूल फ़रमा ले और इसी की बरकत हमको आता फरमा दे एक वो मैं भेज दे ये आयात ये अल्लाह कह रहे हैं सूरतमदा में यादी आम तक ऐमान वाल्ला से डरो वह तक वो वसीला था और ढूँढो उस तक पहुँचने का वसीला और उसको पाने की कोशिश करो ताकि तुम कामयाब रहो वसीला क्या है पहले यह समझे असल में इस बात को समझाना मकसूद था वसीला का मतलब है अल्लाह के कुर्ब को पा लेने के तरीके अब वो अल्लाह का कुर्ब इल्म के जरिए भी हो सकता है जिहाद के जरिए भी हो सकता है सखावत के जरिए भी हो सकता है वो कोई भी खैर का, का काम करके हासिल हो सकता है तो खैर तक पहुँचाने वाले काम को वसीला कहा जाता है याद रखें जी। वसीला वसल से मुश्तक है और जिसका मतलब होता है जोड़ना यानी हर वो काम जो इंसान को अल्लाह के साथ जोड़ दे वो कौन से काम हैं नेकी भी जोड़ती है सच भी जोड़ता है सखावत भी जोड़ती है इल्म भी जोड़ता है अमल भी जोड़ता है खाना पिलाना भी जोड़ता है किसी को दुआओं का देना भी जोड़ता है अच्छे खलाक भी जोड़ते हैं ये सारे काम क्या हैं वसीला हैं इसी तरह आमाल का वसीला देना भी जायज़ है जैसे वो हुजूर ने किस्सा सुनाया है ना और कहाफ वाला भी चार लोग गार में फंस गए थे हर एक ने अपने अपने अमल का वसीला दिया किसी ने अपनी माँ की खिदमत का किसी ने गुनाह के छोड़ने का किसी ने अपनी माँ बाप को किसी ने अपनी नेकियों का है ना ये वसीले देकर अल्लाह ने वो हटा दिया तो अपनी नेकियों का वसीला भी दिया जा सकता है या अल्लाह मेरे पास यही एक नेकी है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने तुझे राज़ी करने के लिए की है या ये तू जानता है या मुझे पता है तेरे और मेरे अलावा किसी को नहीं पता या तुझे मेरी ये नेकी और अदा पसंद है तो मेरे ऊपर फजल दे रहम फरमा दे इंसान ऐसे वसीला के लिए दुआ कर सकता है तो बहरल वसीला ये आप सलात वाम के लिए दुआ का तरीक़ा बताया गया है इसी तरह से वसीला एक ख़ास मकाम है जो असल में है आप वसीला क्या है अदिस मुबारक से आप आई सलात वाम ने फरमाया वसीला एक आला दर्जा है जन्नत का जिससे ऊपर जन्नत का कोई दर्जा नहीं है तुम मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ये दर्जा मुझे आता फरमा दे अल्लाह ये दर्जा मुझे आता फरमा दे तुम मेरे लिए दुआ करो इसीलिए आप सलात सलाम ने फरमाया कि आज़ान के बाद आज़ान के बाद तुम क्या करो शरीफ पढ़ लो और ये दुआ पढ़ लो जिसमें मेरे लिए वसीला मांगा जाता है अल्हरबादाव सतुलदिनतवलफ़ी महमूद तकलिफुलमिया والسلام ने फरमाया जिसने मेरे लिए नमाज़ अजान सुनकर आज़ान अजान सुन शरीफ पढ़ा और क्या किया वसीला मांग लिया तो मेरे लिए उसकी सिफारिश करना वाजिब हो गया मैं उसकी सिफारिश करूँगा अल्लाह के ना उसकी शिफात करेंगे तो जो ये काम कर लेगा हर अजान के बाद आज से नीयत कर ले इन शाह हर अजान सुन के हमने पहला काम दुरुदे बराहमी पढ़ना है और फिर हमने क्या करना है ये दुआएं याद करनी है देख कर पढ़ लें नहीं आती तो सुन के याद कर लें उसके बाद एक टोटका बताता चलो ये दुआ पढ़ लें लब्बिकल्लम लब्बई लब्बिकला शरीक लब्क तलबिया पढ़ लें मा ने लिखा है और ख़ुद का मेरा भी तजर्बा रहा अलहद ला कि इस दुआ की पढ़ने की बरकत से अल्ला हर मैन की हाज़री नसीब फ़रमाते हैं अल्लाह ताल मुझे आपको मल की तोफ़ी नसीब फ़रमाए और हम सबको इस बारे में जो अहकाम जो कुछ थोड़ा बहुत हमने सीखा पढ़ा उसकी बरकतें नसीब फ़रमा Thanks, Thanks for watching. watching. Please, Please subscribe, subscribe, like, share, share Mufti Sufyan.